हमीरपुर नगर परिषद में जाली बोर्ड बनाए जाने के मामले के बाद अब प्रशासन ने भी बोर्डों की पड़ताल करना शुरू की है और इसी के चलते हमीरपुर तहसीलदार अशोक पठानिया के द्वारा नए बोर्डरों को भेजे गए सम्मनों पर उपस्थित लोगों के दस्तावेजों की आज पड़ताल की गई है। तहसील परिसर में पहुंचे लोगों ने अपने बोर्डों की वेरिफिकेशन करवाई है। वहीं इस मौके पर कुछ लोगों ने बोर्डरों के लिए रखी गई प्रक्रिया पर भी आपत्ति दर्ज करवाई है। वार्ड नंबर 7 के निवासी अजय शर्मा ने बताया कि कई वार्डों में जाली बोर्ड बनाए गए हैं, लेकिन बोर्डरों की जाँच पड़ताल के लिए कई लोगों को सम्मन तक जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले को गंभीर नहीं ले रहा है और वार्ड नंबर 7 में 300 बोर्ड नए बनाए गए हैं, लेकिन ये बोर्ड कहां से आ गए हैं इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द इस मामले को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो लोग जिला उपायुक्त के पास शिकायत करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन जारी है, उसके लिए वोट बनाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो प्रशासन है वो जो इन वोटों को जो है बड़ा गंभीर नहीं ले रहा है और जो एक्चुअल वार्ड के वोट बनने चाहिए वो वोट नहीं बने हैं। जहां तक मैं वार्ड नंबर 7 की बात करूंगा, वार्ड नंबर 7 में 300 वोट नए बने हैं। अब 300 वोटर कहां से आ गए मुझे ये समझ परे है। 50-100 वोट बढ़ते तो लगवा थी। आज इससे पहले भी एक प्रक्रिया चली थी कि कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी कि वो जाएं वार्ड में और जो लोग मर गए हैं या जो लोग छोड़ चुके हैं, जो नहीं रहते हैं वार्ड नंबर 7 में, उनके वोट काटे जाएं। वो वोट भी अभी तक जो पुरानी लिस्ट है उसमें जारी है। उसके बाद अब जो नई वोटर फॉर्म भरे गए हैं, मैं इनको वोटर बनना नहीं बोलूंगा, लेकिन वोटर फॉर्म जो भरे गए हैं उसमें कई लोगों के एड्रेस ही नहीं है और उनको समन जारी किए गए हैं। आज मैं बोलना चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनको समन जारी किए गए थे, लेकिन वो समन किसी को सर्व नहीं हुए, बहुत कम लोगों को सर्व हुए हैं, जो 10-20-50 लोगों को होंगे, लेकिन मैक्सिमम सर्व। और आज इन्होंने 11 बजे तहसीलदार साहब ने पेशी रखी है। अब जिन लोगों को सम्मन ही सर्व नहीं हुए वो कब आके वो अपनी पेशी लगाएंगे, इसका मतलब इन वोटों का क्या होगा वो तहसीलदार साहब बताएं, क्योंकि उन बताएं भी या तो सम्मन जारी क्यों किए, अगर जारी किए तो उनको सर्व होना चाहिए था, सर्व होने के बाद ही वो यहाँ पे आते, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो सम्मन जारी किए गए हैं उसमें मैक्सिमम लोगों के फॉर्म जो है, जिन मतलब जो ओरिजिनल वोटर है उनके साथ डॉक्यूमेंट लगे हैं, तो उन्हें सम्मन क्यों जारी किए गए ये समय से परे है। क्यों, जब आपके पास कागज पूरे आ गए हैं, आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हमारे जो लोग हैं सब कामकाजी लोग हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, कोई कहां जाते हैं। अगर इन्होंने सम्मन जारी किया, अगर वो बाई चांस अगर यहां नहीं पहुंचता है तो उस बेचारे का तो वोट कट जाएगा, उसका राइट चला जाएगा जो ओरिजिनल वोट है। और जो दूसरे वोट है उनको सम्मन सर्व नहीं हुए तो उनको आने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी प्रक्रिया जो है निष्पक्ष तरीके से नहीं चल रही है। मैं तो यही मांग करूंगा कि जो विधानसभा और लोकसभा में लोगों के वोट बने होते हैं उन्हीं वोटों को आधार बनाकर उन्हीं वोटों को लाया जाए, ताकि उनके वोट वो जो ओरिजिनल मतदाता है वो ही वोट डालें, ताकि उनको अपना मत जो अपना पंचायत का प्रतिनिधि या अपना प्रतिनिधि चुनना है वो लोग ही उसमें भाग लें, ना कि जो लोग यहाँ वार्ड नंबर अपने अपने वार्डों में नहीं रहते हैं और सिर्फ वोट बनाने के लिए और वोट डालने के लिए वो आएंगे, उनका बाहर से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मेरी अपील यही है प्रशासन से कि इसको पुनरीक्षण किया जाए, इसकी पूरी सूची को दोबारा से बनाया जाए और पूरी बनाने के बाद ही ये चुनाव करवाए जाए, तो ही जाके निष्पक्ष लोगों को एक प्रतिनिधि मिलेगा। और अदरवाइज नहीं तो ये सारा गड़बड़ जाला है और गड़बड़ जाले में ही ये चुनाव संपन्न हो जाएगा और ओरिजिनल प्रतिनिधि जो एक्चुअल प्रतिनिधि चुने जाना चाहिए वो नहीं चुने जाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद हम जिलाधीश महोदय के पास भी मिलेंगे कि हम उनके पास भी अपनी बात रखेंगे कि इस प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाए और इसमें जो ओरिजिनल वोटर है उनको डाला जाए। फिर अगर डीसी साहिबा हमारी अब नई डीसी साहिबा आई हैं आज, तो हम उनके पास मिलेंगे। अगर वो भी संतोषजनक जवाब नहीं देती हैं, पहले तो उम्मीद करते हैं कि वो संतोषजनक जवाब देंगी और हमारे अपील को मानेगी और उसके बाद देखा जाएगा। वहीं अनमोल अनूप प्राशर ने बताया कि जाली वोटरों के लिए तहसीलदार के द्वारा जांच पड़ताल के लिए लोगों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर किराएदारों के ही वोट बना दिए गए हैं जो कि गलत है। हमारे हमीरपुर नगर निगम में 11 वार्डों के तहसीलदार साहब ने कुछ सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया था जिनकी वोटों की निष्पक्ष जांच होनी थी और वो कर रहे थे। तो इसमें ऐसा है कि इसमें बहुत सारे वार्डों में जो फेक वोट बनाए गए हैं उनके लिए तहसीलदार साहब के हमने भी ऑब्जेक्शन किया था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे वार्ड नंबर 7 में तकरीबन 250-350 वोट बनाए हैं, जिसमें कि कुछ लोग जो है वो बाहर रहते हैं, गाँव से आए हैं, कुछ किराएदार भी हैं, लेकिन वो यहाँ के बसिंदे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके फेक वोट बनाए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके वोट वो यहाँ पे ना बने।
अगर यहाँ पे अभी बुलाया हमें तो पूरा आश्वस्त है कि तहसीलदार साहब यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम उसके बाद उपायुक्त महोदय के पास जाएंगे और उससे गुजारिश करेंगे कि वो इसको इसका कोई ना कोई हल निकालें और जो भी कानूनी राय भी ली जाएगी। और अगर कानूनी पक्ष को देखें तो हम इसमें अगर हाईकोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार यहाँ के लोगों को ही हो। और जो बोगस वोट जो बनाने की जो प्रथा चल रही है काफ़ी समय से, कुछ लोग क्या करते हैं, वार्ड नंबर 4 के कुछ लोगों को वार्ड नंबर 6 में शिफ्ट कर देंगे अपनी सुविधा के हिसाब से, कुछ वार्ड नंबर 6 के 7 में शिफ्ट कर देंगे। इस तरह की जो ये सोच है अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, ये ख़त्म होगी और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई में लड़ भी रहा हूँ और आगे भी हम लड़ेंगे। गौरतलब है कि नगर परिषद हमीरपुर में बहुत से वार्डों में जाली वोट बनाए गए हैं और इसी के चलते अब वोटरों की जांच पड़ताल की जा रही है ताकि जाली वोटों को काटा जाए, जिसके लिए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू की है। नगर परिषद में 1600 लोगों ने नए वोट बनाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें 60 वोट जाली पाए गए थे और इसी के कारण नगर परिषद ने सभी 11 वार्डों में 1600 नए वोटरों को सम्मन जारी कर आज के दिन तहसीलदार के पास असली दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आवेदन किए थे।